तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच से कोरोना काल में अपील करते हैं कि कोई भी किसी की भी नौकरी ना ले, पर रायबरेली से ऐसा मामला सामने आया जिसने शिक्षिकाओं की ही नौकरी छीनने की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्यापन कार्य देख रही शिक्षिकाओं की। शिक्षिकाओं ने देर शाम विकास भवन में उग्र प्रदर्शन किया। आखिर उसका कारण रहा कि महिला शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर नियम विरुद्ध तरीके से सेवा समाप्ति की नोटिस उनको थमा दी गई। इसका आरोप लगाते हुए सीडीओ रायबरेली का रास्ता रोकने की कोशिश की महिला शिक्षिकाओं ने, जिन्हें पुलिस बल का सहारा लेते हुए प्रशासन ने शांत कराकर उनकी समस्याएं सुनी और यथासंभव निराकरण करने का आश्वासन देकर सबको वापस भेज दिया। इस दौरान संविदा शिक्षकों ने विकास अधिकारी को संबोधित एक मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि शासन की तरफ से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में वार्डन विषय के पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समायोजन की व्यवस्था दी गई है, जिस पर कई जनपदों में कार्रवाई भी चल रही है, किंतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली द्वारा असंगत विषयों से संबंधित शिक्षिकाओं तथा कतिपय लेखाकारों की बिना किसी नोटिस के संविदा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है। इस तरह मनमाने तरीके से लेखाकारों के स्थानांतरण का भी आरोप ज्ञापन में लगाया गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की अपील कर रहे हैं, पर उनके ही मातहत इस प्रकार की कार्य कर सरकार व प्रधानमंत्री की छवि पर किस प्रकार से बट्टा लगा रहे हैं, उसका नुमाइंदा है ये खबर। संगत विषय में कस्तूरबा का था, अब कमेटी के जो निर्णय लिया था पहले, अब नया एक डीओ आया उसके परिप्रेक्ष्य में इन लोगों कहने के बिना जानकारी बताए कैंसिल कर दिया गया। नहीं, बिना जानकारी के नहीं, इनके जानकारी देने की सुनी वहाँ से शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की थी, अब एक नया आया है उसके परिप्रेक्ष्य में नई मीटिंग करके उसे जिला समिति की तब द्वारा और किसी के साथ अन्याय नहीं किया गया। ठीक है।